खूंखार शिकारी जानवर तेंदुए को देखकर ज्यादातर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं मनुष्यों द्वारा लगातार वनों की कटाई और तेजी से निर्माण हो रही सीमेंटों की जंगलों के कारण कई जंगली जानवर मानव आवास में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण डर और बढ़ गया है। ऐसे में वन्य जीवों की कुछ घटनाएं, कुछ वीडियो आपको सुकून देती है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जहां अहमदनगर जिले की अकोला तालुका की तकली गांव के जंगल में 3 महीने के तेंदुए का बछड़ा मिला। वन विभाग के कर्मचारी अशोक घुले ने तेंदुए के बच्चे को पानी पिलाया। उनके इस नेक काम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अकोले तालुका के तकली गांव के पास जंगल में तेंदुए के 3 शावक मिले हैं। वन विभाग ने कहा कि बछड़े 3 महीने के हैं। वन अधिकारी प्रदीप कदम ने अपने स्टाफ अशोक घुले को बछड़ों को पानी उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। उसके बाद वन विभाग के कर्मचारी अशोक घुले ने बछड़ों को बोतल बंद पानी पिलाया। 2 मिनट के इस वीडियो में अशोक घुले एक टोकरी में पानी डालते नजर आ रहे हैं, लेकिन बछड़ा उस टोकरी से पानी पीने के लिए आगे नहीं आता। तभी अशोक घुले ने बछड़े को बोतल से पानी पिलाने की कोशिश की। ऐसे में तेंदुए का बच्चा पंजा मारने की कोशिश करता है और जोर से दहाड़ता भी है। हालांकि इस वीडियो में दिख रहा है कि अशोक घुले बिना किसी डर के बछड़े को पानी पिला रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है और अशोक घुले की हर तरफ तारीफ हो रही है। मैं मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।